एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2, कार बनाने वाली कंपनी कार के एक मॉडल के कार का उपयोग का समय और कार के पीछे होने वाले वार्षिक खर्च के बीच के अभ्यास से नीचे निम्नलिखित जानकारी दी गई है। कार उपयोग का समय को हमने एक्स मान लिया और वार्षिक औसत खर्च को वाई मान लिया, तो नीचे क्या लिखा है? इस जानकारी पर से वाई के एक्स के प्रति नियत संबंध रेखा प्राप्त कीजिए और जब कार का समय 5 वर्ष हो त्यारे वार्षिक खर्च का अनुमान भी करना है और त्रुटि मीन्स एरर भी निकालना है। ओके, एक्स बराबर जब 5 दिया हो तब की बात किया हुआ है, तो चलिए उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2, चलिए हम लोगों को क्या दे दिया है, एक्स और वाई दे दिया है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक्स की कॉलम दिया है और ये वाई के कॉलम दिया है। आज हम एक न्यू मेथड के साथ हम सीखने वाले हैं, तो हम पिछले वाले जो क्वेश्चन नंबर है वो एक्स माइनस एक्स बार से किए थे, आज हम एक्स वाई की पद्धति से करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले एक्स बार फाइंड कर लेते हैं। तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन, सिग्मा एक्स का मीनिंग एक्स का टोटल। तो एक्स का टोटल कितना है? 16। तो 16/n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 बचते हैं, तो 6 से डिवाइड किया तो 2.67। आपको पता है कि जब एक्स और वाई मतलब एक्स बार एंड वाई बार पॉइंट में आए तो हम एक्स माइनस एक्स बार की पद्धति का उपयोग नहीं करते, तो यहाँ पे एक्स माइनस एक्स बार पद्धति का यूज नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोगों ने एक्स वाई मेथड का यूज कर रहे हैं। तो सेम वाई बार हमको निकालना है। वाई बार का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन, देन वाई का टोटल कितना है? 51 डिवाइड बाई एन बराबर कितना है? 6 है। तो 51 डिवाइड बाई 6 बराबर कितना आ गया? 8.5। मतलब x और y दोनों के दोनों पॉइंट में, इसलिए हमने इस बार b का फॉर्मूला b इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ये वाला पद्धति यूज किए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 3 कॉलम बनाना पड़ेगा। कौन कौन से? तो चलिए ऊपर पहले कॉलम बना लेते। तो सबसे पहले एक्स वाई का कॉलम, एक्स वाई का मीनिंग क्या हुआ? एक्स और वाई का गुणा। 3 × 10 = 30, 1 × 5 = 5, 2 × 8 = 16, 2 × 7 = 14, 5 × 13 = 5 = 65, 8 × 3 = 24 एंड उसका टोटल कितना हो गया? 154। और कैलकुलेटर के जब यूज करो तब GT बटन का यूज करना है। देन एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 एंड इसका टोटल करेंगे तो 52। और मैंने आपको स्क्वायर कैलकुलेटर में शॉर्टकट सिखाया था, जैसे 10 का स्क्वायर कितना होगा? 10 × करके बराबर कर दो, 100 आ गया। ओके, फिर 5 का स्क्वायर है तो 5 × बराबर कर दो, आ जाएगा। फिर 8 का स्क्वायर है तो 8 × बराबर करो, आ जाएगा। देन 7 का स्क्वायर है तो 7 × बराबर करो, आ जाएगा। फिर 13 का स्क्वायर तो 13 × बराबर करो, आ जाएगा। फिर 8 का स्क्वायर है तो 8 × बराबर करो, आ जाएगा। देखिए एक एक हमने आंसर वही लिखा है, और इसका टोटल पाना है तो आप GT का भी यूज कर सकते हो। तो 471, तो यहाँ पे मैंने 471 लिख दिया, कैलकुलेटर में 471 ही आया था। ओके, तो 471 हमने लिख दिए। चलिए हमारा टेबल अभी तैयार हो गया, अब हम थर्ड स्टेप को कंप्लीट करते। थर्ड स्टेप हमारा क्या था कि b इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले सिग्मा एक्स वाई मतलब n, सबसे पहले n बराबर कितना है? यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो n बराबर 6 लिख दिया। देन सिग्मा एक्स वाई मतलब एक्स वाई का टोटल। ओके, सिग्मा एक्स वाई मीन्स एक्स वाई का टोटल, तो हमने जो एक्स वाई का कॉलम बनाया था उसका टोटल कितना है? 154, तो 154 लिख दिया। माइनस का माइनस, सिग्मा एक्स मीन्स एक्स का टोटल, एक्स का टोटल कितना है? 16 है, तो यहाँ पे 16 लिखा। सिग्मा वाई मीन्स वाई का टोटल कितना है? 51 है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? 51 लिखा। डिवाइड का डिवाइड, देन एन बराबर 6, सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का टोटल करना है। एक्स स्क्वायर का टोटल कितना है? 52 है, तो यहाँ पे हमने कितना लिख दिया? 52। माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर मतलब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर दोनों डिफरेंट है। सिग्मा एक्स स्क्वायर में हमने क्या लिया? जो हमने एक्स स्क्वायर किया था उसका टोटल लिया, और सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ? एक्स का जो टोटल है उसका स्क्वायर करना है। तो एक्स का टोटल कितना आया हुआ है? 16, तो यहाँ पे मैंने 16 का स्क्वायर लिखा।
अब हम क्या किए, इन दोनों को गुणा किए लिखे, माइनस तो माइनस, इन दोनों को गुणा किए लिखे, डिवाइड बाई इन दोनों को गुणा किए लिखे और इसका स्क्वायर करके लिखे। फिर इन दोनों को माइनस करने पर 108, इन दोनों को माइनस करने पर 56, इन दोनों को डिवाइड करने पर बी इक्वल टू कितना आ गया, 1.93 आ गया। ओके, सो अभी हमारा तीसरा स्टेप कंप्लीट। देन स्टेप नंबर फोर, स्टेप नंबर फोर इक्वल ए इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। सो वाई बार, तो ऊपर हमने वाई बार फाइंड किया था, देख सकते हो आप वाई बार कितना आया था 8.5, तो वाई बार के जगह पे लिख दिया 8.5, माइनस के जगह माइनस, बी बराबर कितना आया 1.93, तो यहाँ पे लिख दिया 1.93। और एक्स बार, तो ऊपर हमने एक्स बार कितना निकला था 2.67। सो 8.5, फिर इन दोनों को गुणा किए तो 5.15। सो 8.5 में से 5.15 माइनस करेंगे तो ए बराबर कितना आ गया 3.35। देन नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर फाइव, स्टेप नंबर फाइव, वाई कैप इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो ए बराबर हमारा कितना आया था 3.35, प्लस का प्लस, हमारा बी जो हमारा थर्ड स्टेप था वो कितना आया था 1.93, और x के जगह पे मैंने x रख दिया। आपको मैंने पहले ही बोला था कि ये जो स्टेप होता है स्टेप नंबर फाइव, हमको समीकरण बनाना है, तो ये हमने यहाँ पे रख दिए। अब क्वेश्चन के अनुसार जब x बराबर 5 है तो y का मान हमको निकालना है, तो x बराबर 5 रखने पर लिखा, हमको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ ये। तो y के बराबर कितना था 3.35 प्लस 1.93, और x के जगह पे मैंने कितना लिख दिया यहाँ पे, अब 5 लिख दिया, क्योंकि x के जगह पे हमको 5 पुट करना है। तो 3.35 का 3.35 प्लस का प्लस, 1.93 को 5 से गुणा करेंगे तो 9.65। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर में प्लस करके देख सकते हैं। लेकिन जो y था वो 1000 रुपये में दिया था, इसलिए हमने इसकी मात्रा जो है 1000 रुपये में लिख दिया। यहाँ तक सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हमको बुक में और एक स्टेप बोला है एरर फाइंड करने के लिए। तो एरर का फॉर्मूला क्या है, त्रुटि का फॉर्मूला क्या है, एरर मीन्स त्रुटि, एरर का फॉर्मूला है y माइनस वाई कैप, y माइनस वाई कैप। अब y बराबर सबसे, y कैप को हम तो पता ही किए, देखो y कैप बराबर 13 आया तो हमने 13 लिख दिया, लेकिन ये y बराबर कितना लेना है, जब y खास जो हमारी गलती है ये y की वैल्यू पुट करने के लिए। तो देखो यहाँ पे हमने x की वैल्यू हमने कितना रखा, 5 रखा, तो y कैप 13 आया। ओके, तो x की वैल्यू 5 होने पर y की वैल्यू कितना है वो हमको टेबल पर देखना पड़ेगा, जो टेबल में आपको दिखा रहा हूँ आप देख लीजिए। जब x की वैल्यू 5 हो, जब x की वैल्यू देखो ये 5 हो, तो y की वैल्यू कितना है 13 है ना, तो वही 13 हमने यहाँ पे रखा। जब x की वैल्यू 5 था तो y 13 आया, और y कैप भी यहाँ पे कितना आया 13 आया, तो 13 में से 13 गया तो कितना आ गया आंसर 13, मीन्स यहाँ पे एरर क्या है 0 है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।